नमस्कार, मैं रिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं आज की खबरें। गोंडा जिले में करनैलगंज कोटवाली क्षेत्र अंतर्गत हुए भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं एक महिला घायल है। दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज करनौलगंज पुलिस द्वारा आगे की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं घायल एक महिला को इलाज के लिए स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी करनैलगंज और करनैलगंज कोटवाली द्वारा पूरे मामले की जांच करके फॉर्चुनर गाड़ी को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। सड़क हादसा इतना भीषण था कि फॉर्चुनर गाड़ी के आगे का परकच्चे उड़ गए और फॉर्चुनर गाड़ी में अंदर बैठे लोगों ने एयरबैग खुलने से किसी तरीके से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। मामला ये हुआ कि हमारे बच्चे दोनों दवा लेने आ रहे थे। एक जो सऊदी से आया है वो बच्चा ठीक था। जो बच्चा ये यहाँ था उसकी तबीयत खराब थी, वो दवा लेने जा रहा था करनैलगंज छतई फुरवा के पास जो है एक्सीडेंट हो गया। फिर उसमें नेताजी का काफिला जा रहा था, उसकी नंबर हमने गाड़ी में FIR में दर्ज करा दिया है। तो किस गाड़ी से हुआ है? अब इस गाड़ी से फॉर्चुनर गाड़ी से हुआ है। दोनों लड़कों को ले जा के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं इस गाड़ी में कौन बैठा था? छतईपुरवा के लोग बोल रहे थे कि करण भूषण। आपने FIR में नाम लिखाया? नहीं लिखाया। क्यों? अब जब हम हमने गाड़ी का नंबर FIR में लिखाया। क्या चाहते हैं? अब हमको क्या चाहिए, हमारे बच्चे तो चले गए। अब आप लोग जो आप लोग की कृपया हो वही इंसाफ दिलाइए। आप लोग हमारे बच्चे तो चले गए। आप बच्चों के क्या हैं? हम बच्चों के चाचा हैं। कितनी गाड़ियां थी? चार या पांच गाड़ी थी। मेरा नाम फरमान है। जो बच्चे एक्सीडेंट हुआ मैं उनका चाचा लगता हूँ। हम गांव में खबर गई कि एक्सीडेंट हो गया, फिर हम वहाँ से गाड़ी लेके जब पहुँचे मौकर पर छतईपुरवा क्रॉसिंग के बाद, जब वहाँ पहुँचे तो देखा फॉर्चुनर गाड़ी खड़ी हुई थी और वहाँ पे काफ़ी खून पड़ा हुआ था, जो चोट खाए बच्चे उनका। फिर हम लोगों से पूछे क्या हुआ तो लोगों ने बताया बच्चे सरकारी अस्पताल में गए हैं, वहाँ जाओ। फिर हम पूछा किसकी गाड़ी थी तो पता चला कि नेताजी की प्रतीक भूषण करण भूषण ये लोग की गाड़ी थी। चार गाड़ियाँ थी, एक से एक्सीडेंट हुआ, तीन बाकी चले गए वहाँ से। फिर हम वहाँ पर देख के फिर आए, जब सरकारी अस्पताल पहुँचे तो यहाँ पर दोनों बच्चे ख़त्म हो चुके थे। फिर वहाँ से पुलिस की कार्रवाई होने लगी है, अभी लाया गया है यहाँ पर। अब आप लोग हमारा सपोर्ट करें, मदद करें। हमारे तो दोनों बच्चे चले गए, अभी हमें इंसाफ दिलाइए। आप लोग क्या होना चाहिए आप लोग बेहतर जानते हैं, कुछ करिए हमारे लिए, मदद करिए। हमारे ये इकलौते बच्चे थे अपने माँ बाप के, दूसरा कोई नहीं है। तहरीर में क्या लिखवाया? तहरीर में लिखवाया गया है गाड़ी का नंबर और जो धाराएं लिखाई गई हैं, वो धाराएं लगी हैं, वो सब मौजूद हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं। और अभी तो आप यहाँ लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए गोंडा, और बाकी आप लोग देखिए क्या करना है। आप लोग हमारा सपोर्ट करिए, मदद करिए। हाँ, एक कोई लेडीज घायल हुई है वहीं की, वो शायद जिला अस्पताल में, उसका हमें नहीं पता। ये हमारे बच्चे थे, इनके पीछे मैं भाग के आया हूँ। तहरीर में वहाँ के हमने नहीं देखा किसी की गाड़ी, वहाँ पे लोगों ने छतईपुरवा के बताया कि करण भूषण की गाड़ी थी। चार गाड़ियाँ थी, एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, तीन निकल गई, एक वहीं पे अभी खड़ी है। तो वो खुद थे कौन? हाँ, वहाँ के लोगों ने बताया कि उनका ही काफिला जा रहा था, एक दूसरी गाड़ी में बैठ के बाकी लोग चले गए और वो गाड़ी वहीं पे खड़ी है, अभी मौजूद है। ड्राइवर कोई किसी का नहीं पता है, सिर्फ गाड़ी खड़ी है। हमने पुलिस से जब कहा तो कहीं ना आप परेशान मत हुई है,
मैं सारी कार्रवाई कर रहा हूँ। एसडीएम साहब से भी हमने बोला है तो बोले हैं ठीक है, मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। एफआईआर में लिखवाए ये सब पूरी बात? एफआईआर में हमने नहीं लिखा है क्योंकि हमने नहीं देखा है कि वहाँ पे हुआ क्या। जो समझ में आया वो लिखवाया गया, पुलिस मौके पे थी, वो जैसे समझ में आया वो लिखी। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना कर्नलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्चुनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के दो व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को CSC कर्नलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्चुनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है, फॉर्चुनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में महेश्वर नाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बस्तर के नेतृत्व में जिले में पिछले 2 सप्ताहों से सड़क सुरक्षा के संबंध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त एवं सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस अधिकारी और कर्मचारी स्वयं यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं। यदि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी सड़क सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करते हैं तो उनके विरुद्ध भी सख्ती से चालानी कार्यवाही की जा रही है। मालवाहकों में सवारी नहीं बिठाने के लिए सवारियों को उतार कर समझाइश दी जा रही है। सभी सामान्य जनप्रतिनिधियों और सभी शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा आम जनता से अपील की जा रही है कि सड़क सुरक्षा नियमों एवं उपायों की पालना कर स्वयं को एवं अन्य लोगों को भी अकाल मृत्यु और अकारण अपाहिज होने से बचाना है। इसी तारतम्य से अनुविभाग भानपुरी अंतर्गत बाइक हेलमेट रैली का आयोजन किया गया। थाना भानपुरी बस्तर बकावण और करपावण के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही युवोदय के वॉलंटियर्स ने शानदार बाइक हेलमेट रैली का आयोजन किया। बस्तर जिले में पुलिस विभाग के द्वारा यातायात जागरूकता के संबंध में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाई जा रही है। इसके तहत जो यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं उनको समझाइश दी जा रही है। और सबसे पहले तो पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी स्वयं ही यातायात के नियमों का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। यदि पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्ती से चलानी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही क्षेत्र में जो भी पिकअप में सवारी वाहन आना जाना करते हैं उनको उतार करके उसके संभावित खतरों से उनको अवगत कराया जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि पिकअप में सवारी करना खतरनाक हो सकता है। इसके साथ ही जिले में यातायात के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने के तारतम्य में भानपुरी सब डिवीजन अंतर्गत बस्तर बकावण करपावण और भानपुरी थाने की टीम और वॉलंटियर्स जो योद्धा के हैं उनके द्वारा व्यापक बाइक हेलमेट रैली का आयोजन कल दिनांक 27/5/2024 दिन सोमवार को किया गया। बाइक में बैठने वाले चालक और पीछे सीट में बैठने वाले दोनों ने हेलमेट धारण कर रखा था। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले जगहों पे बाज़ारों पे रुक करके यातायात के नियमों के संबंध में सड़क सुरक्षा के नियमों एवं उपायों के संबंध में जनता को अवगत कराया गया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों शासकीय अधिकारियों कर्मचारियों और आम जनता से अपील की गई कि सड़क सुरक्षा के नियम और उपाय हमारे जीवन रक्षा के लिए है और इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य केवल यही है कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना एवं उपायों को अपनाना हमारे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। जगदलपुर में आज सुबह शहर के मेन रोड स्थित कपड़ा दुकान में अचानक से धुआं निकलता देख लोगों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते आग तेजी से दुकान में फैल गई और दुकान में रखा लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया।
घटना की जानकारी लगते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची, आग बुझाने में जुट गई और दमकल की करीब 3 से अधिक गाड़ियां की मदद ली गई। वहीं आग की लपट बढ़ते ही जा रही थी। बताया जा रहा है कि शहर के सबसे व्यस्तम मार्ग मेन रोड स्थित सावी साड़ी हाउस में बुधवार की सुबह अचानक से आग लग गई। आग लगने का कारण तो पता नहीं चला, लेकिन आग काफ़ी तेज़ी से फैली। आग की लपट दूर तक दिखाई दे रही थी। मामले की जानकारी लगते ही कोटवाली पुलिस से लेकर यातायात पुलिस भी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों से लेकर बचाव दल मौके पर पहुंचे। घंटों तक आग को बुझाने का सिलसिला जारी रहा और इस घटना के दौरान दुकान के पास खड़ी बाइक के साथ ही कार भी जल गई। वहीं दमकल की गाड़ियों ने घंटों की मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। विर्गो ग्रुप की ओर से होटल हयात रेजेंसी में बंधुत्व 24 का भव्य आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र अरोड़ा और तिलक अरोड़ा ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुरेंद्र अरोड़ा और तिलक अरोड़ा ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बंधुत्व 24 का उद्देश्य व्यावसायिक संबंधों को मजबूत करना और व्यापारिक समुदाय के बीच एकता बढ़ाना है। कार्यक्रम में पधारे डीलरों का शानदार स्वागत किया गया। सभी डीलरों को विशेष सम्मानित किया गया और उनके योगदान की सराहना की गई। विर्गो ग्रुप के सभी सदस्य को परिवार का हिस्सा बताया गया। सुरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि विर्गो ग्रुप के हर सदस्य की सफलता और समृद्धि समूह की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश को व्यवसाय के लिए अति उत्तम स्थान बताया गया। सुरेंद्र अरोड़ा ने यूपी में व्यवसाय की अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य की व्यवसायिक नीति और संसाधन व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल है। बंधुत्व 24 का आयोजन न केवल व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में व्यवसाय की संभावनाओं को भी उजागर करेगा। एक्चुअल हम लोग जो डीलर के हमारे जो पार्टनर हैं, जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनके सहयोग के साथ हम हर जगह डे बाई डे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कंपनी जो 31 ईयर ओल्ड है, जो कि एक अच्छे स्थान पे काम कर रही है, एशिया में लार्जेस्ट कंपनी है। तो हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, हमारे जो पार्टनर हैं, जो हमारे डीलर भाई हैं, इनके सहयोग से हम काम कर रहे हैं। अपने लेवल पे हम क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं और इसमें जो सक्सेस डे बाई डे हमें मिल रही है, उसको डीलर के साथ साझा कर रहे हैं और उनके सहयोग की अपेक्षा करते हुए उनके साथ हम इस पायदान पे करें। आज हमारा कि आप MDF के प्लांट की तैयारी कर रहे हैं जी, इससे आप प्लांट के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली अभी तक हमारे जो प्रोडक्ट है, जैसे लेमिनेट है, प्लाईवुड है, फार्मा है, ACP है, एल्युमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ हमने अभी नया वेंचर खड़ा कर रहे हैं, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड। तो अभी जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर है, वो MDF का काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है और हमने वो जो चॉइस किया है, इसलिए मेनली लखनऊ के आसपास संडीला इंडस्ट्री में उसको सिलेक्ट किया है। वहाँ पे हमने लैंड ली है और 600 CBM का प्लांट हम वहाँ लगाने जा रहे हैं और उसकी मशीन का ऑर्डर हो चुका है और लैंड में कंस्ट्रक्शन चल रही है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी व्यापारियों को काफ़ी कुछ प्रोत्साहन दिया है। आप अभी संडीला में अपना लगाने भी जा रहे हैं फैक्ट्री बड़ी, तो
लगता है कि उत्तर प्रदेश से जो आगे की किरणें हैं वो अच्छी निकल के सामने है? एक्चुअल उत्तर प्रदेश मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, और जो अभी सरकार चल रही है सेंटर में, जो स्टेट गवर्नमेंट है जिनका सपोर्ट है, हमें उन्होंने टैक्स का बेनिफिट दिया है, जीएसटी का बेनिफिट 10 साल का है, और जो ओवरऑल जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की जो पहले बहुत पीछे चल रहा था, तो हम उस पर काफ़ी पूरी इंडस्ट्री सेटिस्फाइड है। हमने जैसे फिक्की और बाकी इंडस्ट्री के जितने भी एसोसिएशंस हैं उनसे डिस्कस करते रहते हैं, तो इसलिए हमने यूपी में, हमारा पहले कोई फैक्ट्री नहीं था तो हमने इसलिए यूपी सेलेक्ट किया, और यूपी में हमने संडीला जो बिकॉज यहाँ वुड भी काफ़ी है जिसको फार्मर को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और हमारी इंडस्ट्री जो हमारे कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा। सर लखनऊ से किस तरीके का रिस्पॉन्स आपको मिलता है? लखनऊ में हम लोग तकरीबन 15 ईयर से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है लखनऊ से। हमारी अपनी ब्रांच है यहाँ पे लखनऊ में, और पूरे ईस्टर्न जोन में, ईस्ट यूपी में हमारे अपने जोन है, बट पहले हम सिर्फ लेमिनेट का काम करते थे, अभी हम उसको एक्सपेंड करके एमडीएफ का जो मेनली मार्केट है वो एरिया वाइज होता है। लेमिनेट तो हम ऑल इंडिया में स्प्रेड किया हुआ है, इंडिया के एवरी जोन, इवन नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, चाहे आप केरला में, एवरीवेयर अवेलेबल है। बट एमडीएफ जो है वो वॉल्यूम प्रोडक्ट है, उसकी साइज़ जो 19 mm और बड़े 8x4 साइज में होता है, वो हमारा बहुत बड़ा दूर तक स्प्रेड करना नहीं, 500 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज फ्रेट का इशू आता है। तो हम एरिया वाइज अलग अलग फैक्ट्री लगाने का प्लान किया, जो स्टार्टिंग हमने संडीला लखनऊ से किया। एक सरकारी दफ्तर में दारू पीने का मामला आगे आया है। विद्युत आपूर्ति कंपनी केस्को के दफ्तर में नशेबाजी करते हुए कर्मचारियों का वीडियो एक वायरल हुआ है। क्षेत्रीय लोगों द्वारा ये वीडियो बनाया गया है और शराब को छुपाते हुए नजर आ सकते हैं ये कर्मचारी। आइए नजर डालते हैं इस वीडियो पर। कोई बात नहीं, रात को तुम सरकारी ऑफिस में इसलिए आ गए हो? व्हाट्सएप करो करो। हेलो, हाँ चलो, कहाँ है दारू? कहाँ है? कहाँ धरी दारू? वो धरी वो। अरे ठीक है, बना लो। रात को कितना बज रहा, टाइम दिखाओ जरा। 1 बज रहा, 1:08 में सरकारी दफ्तर में दारू पीने आए हो तुम? हम दारू पिए। तुम क्या करने आए? दारू नहीं, तुम दिन में ये क्या खा रहे हो? मसाला सर क्या रहे हो? रात बैठे हैं, काहे के लिए बैठे हो? लाइट नहीं आ रही। सरकारी दफ्तर में तुम रात को कैसे बैठे हो? इसमें परमिशन नहीं तुमको? परमिशन का? और ये दारू कौन लेके आया था? ये हटा कह रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। हटा किससे पूछ कर रहे हो? क्या हुआ? दारू कहाँ से लाए थे? अरे कहाँ से क्या लाए थे? यहाँ पर क्यों लाए? हम नहीं पी रहे। तुम नहीं पी रहे हो? नहीं पी रहे। तो आप पी रहे थे? साल 2023 में लखनऊ में हुए इन्वेस्टर समिट में निजी कंपनी POCT ग्रुप की क्यू लाइन बायोटेक ने उत्तर प्रदेश सरकार से यूपी में 500 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया था। वादे के मुताबिक कंपनी ने पहले चरण में 200 करोड़ रुपए का निवेश किया है और कंपनी जल्द ही दर चरण 500 करोड़ रुपए के निवेश का वादा पूरा करेगी। यूपी में निवेश की यह आधारशिला बाउल मेडिकल एबी के सहयोग में संभव हो सकी है। दोनों कंपनियों के बीच हुए समझौते के बाद लखनऊ के नादरगंज इलाके में कम कीमत पर बेहतर मेडिकल उपकरण तैयार हो सकेंगे। इससे न सिर्फ यूपी में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत होगा बल्कि यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। इस समझौते के मौके पर लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर कार्यालय में बाउल मेडिकल एबी के अधिकारी टोरबेन नीलसन, कियाराश फर और अन्य महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। इस दौरान POCT ग्रुप के चेयरमैन सुभाष गर्ग ने बताया कि कंपनी कैसे काम करेगी और इसके जरिए यूपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट कैसे साकार होगा। एक्सप्रेस माय थैंकफुलनेस एंड एप्रिशिएशन टू क्यूलाइन टू ब्रिंगिंग अस हियर एंड इनवाइटिंग अस। आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय थैंकफुलनेस टू एवरीवन हियर हु इज शोइंग अटेंशन।
this milestone that we are accomplishing together through this strategic partnership. And last but not least, I'm very, very pleased that we have accomplished what we said for 3 years ago as a project to start. Now we are seeing it is really becoming a reality. It is a real milestone in the history of the company, both for Boule Diagnostics in Sweden, but I believe for Q-Line. And what are the reasons behind that milestone? I'd like to touch base a bit on that. I think that what we said a couple of years ago, that yes, India, making India initiative is becoming a reality. We understood the message by the government, and we said that we are a company that would like to act accordingly, together with Q-Line as a partner, and we really would like to bring healthcare to India by becoming much more affordable, accessible in rural areas, but also reliable and accurate in a way that we present and generate results to the healthcare system. And technology leaders in hematology. And in Q-Line, we now have a partner that will help us grow and develop with their advanced development and manufacturing skills. I believe our companies share many of the same values. We are united by our joint mission of bringing high quality, affordable healthcare to everyone, everywhere. And we are also united in the belief that all good companies are resting on great people and the strength of our teams. Q-Line and the POCT Group is a great company, driven by passion, humility, but also a desire to grow. And we are very proud of this partnership. तो इसमें मुझे ये कहना है कि डायग्नोस्टिक का सबसे पहला टेस्ट, डायग्नोस्टिक का जो सबसे पहला टेस्ट होता है वो टीएलसी, डीएलसी हीमोग्लोबिन या सीबीसी होता है, जिसके आधार पे ये डिफाइंड होता है उसमें किस तरह का इन्फेक्शन है, उसमें प्लेटलेट जैसे आपने देखा डेंगू में, और आज की डेट में कोई भी वायरल फीवर आता है, 8-10 दिन रह जाता है तो प्लेटलेट ऑटोमेटिक लेस देन 50,000 हो जाती हैं। तो प्लेटलेट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है कि तो उसमें प्लेटलेट चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है, डॉक्टर को डिसाइड करना होता है। अगर WBC और न्यूट्रोफिल यदि बढ़ती हैं तो उसी के हिसाब से जितनी जितनी उनकी रेजिंग होती है उसी, आप ये समझ लो कि जैसे कि कोई वायलेंस होती है तो पुलिस को भेजना पड़ता है, तो वायलेंस जब पुलिस जाती है तो ये डिफाइन करना पड़ता है वायलेंस किस लेवल की है, कि थाने की पुलिस से काम बनेगा कि पूरी PST जाएगी कि पूरा कितनी पुलिस जाएगी। तो उसी प्रकार में बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो WBC काउंट और न्यूट्रोफिल काउंट बढ़ जाती है, जब ये बढ़ जाती है तो उस टाइम डॉक्टर को ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सी एंटीबायोटिक दें, क्योंकि एंटीबायोटिक का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हाई डोज की एंटीबायोटिक दे दी तो वो एंटी रिएक्शन कर जाएगी, लो डोज की एंटीबायोटिक दे दी तो वो असर नहीं करेगी। और तीसरा, आज की डेट में एंटीबायोटिक का जो मिसयूज हो रहा है कि जिसकी वजह से कि पेशेंट पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, लास्ट एंटीबायोटिक मोरोपनाम आई थी 2005 में, उसके बाद से कोई नई एंटीबायोटिक नहीं आई। तो एंटीबायोटिक का बहुत ही प्रॉपरली ढंग से यूज़ करना है कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं देनी है, उसको डिसाइड करने में CBC का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इवन शिशु मातृ दर में हीमोग्लोबिन कितना है, उसको यदि एनीमिया है तो माइक्रोसिटिक एनीमिया है कि फोलिक कि आयरन डिफिशेंसी है किस प्रकार का है, बहुत सारी कैंसर है तो कैंसर में उसकी काउंट कितनी है, काउंट इसकी अगर 2000 से कम है तो उसको कैंसर थेरेपी देनी है कि नहीं देनी है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहे हॉर्नबिल TV।